हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। और हम अभी बैठे हैं हॉल में और वो रहा डुग्गू। अभी इधर आओ, हाई करो। अच्छा इधर दिखाएं। अच्छा वो कह रहा है हमको दिखाओ। हाँ ई आई। और ये अभी नहाया नहीं है, इसलिए नहीं नहाया क्योंकि ये सो गया था। सोने के बाद ये उठा है, ये जल्दी सो गया था, उठा है फिर 2 बजे, तो फिर दोपहर हो गई थी, इस वजह से मैंने इसको नहलाया नहीं। अभी नहाएगा शाम को। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। और अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। खाना वगैरह हम सभी का हो गया। खाने में बनाया था मैंने दाल और चावल और सैलेड, जो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि नॉर्मल था इस वजह से। और ये इतना शैतान है, कुछ नहीं करने दे रहा। तो अभी मैंने निकाला है पूरे घर का झाला, वो पूरे घर का नहीं, सॉरी हॉल का। और ये बाहर पोर्च का मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ का मैंने निकाला है अभी जाला। उसके बाद मैं भी लगाऊंगी झाड़ू। और इतनी तेज़ गर्मी है, धूप आप देख सकते हैं, दिखेगी कि नहीं दिखेगी, दिखेगी नहीं, बहुत तेज़ धूप है फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत में कर रही हूँ आज दोपहर से। सुबह से मैंने नहीं किया कि सुबह से बहुत सारा काम हो जाता है, तो वही सब मैंने किया। और मिनी कर रही है अभी पढ़ाई। तो मिलते हैं आप सभी से थोड़ी ही देर में। पहले झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और पहले मैं आपको अपने हॉल की हालत दिखाती हूँ, उसके बाद जब मैं कंप्लीट कर लूँगी सफाई, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ इस तरीके की हालत है। सोफे के कवर कहीं जा रहे, ये मैंने रखी है झाड़ू लगाने के लिए। और ये मेरा मोबाइल, और ये है डुगू। हाय करो। हाँ मोबाइल। और मैंने पूरा जाला वगैरह सब साफ कर लिया है, आपको दिखाती हूँ। और ये रही हमारी घड़ी, मैंने पूरा जाला निकाल लिया है। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा साफ सुथरा कर लिया है, ये देखिए। और ये टेबल का कवर मैंने धुलने के लिए रख दिया है। और इसको देखिए, यहाँ इस गधे को देखिए, इस बिन नहाए गधे को देखिए, इसको गधे को देखिए। और ये मेरे को धमकी देता है कि मोबाइल पटक दूंगा। और छिर इसका खुजला हो रहा है, छिर। और चुट्टी, छोटी सी इसकी चुट्टी। और आप इसको जब पाएंगे मोबाइल देखते ही पाएंगे। तो यहाँ का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट रूम पे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने बीच वाला रूम भी साफ कर लिया है, ये देखिए आप। और यहाँ पर अभी बज रहे हैं 6:15, ये देखिए 6:15 बज रहे हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पर डुग्गू को, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि यहाँ पर दीदी लोग सो रही थी इस वजह से। और ये खा रहा है, क्या खा रहे हो भैया? या उससे बोलते नहीं आता। और ये नमकीन खा रहा है फ्रेंड्स। मम्मी नहीं गई है अपनी कोचिंग, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। खा लो। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने अपने दोनों रूमों का काम निपटा लिया है, मतलब पूरा कर लिया है। उसके बाद अभी मुझे जाना है किचन में क्योंकि 2-4 बर्तन डले हुए हैं, तो वो मैं अभी साफ करूँगी। और आप मेरे पीछे अलमारी देख सकते हैं, पूरी बिखरी पड़ी है फ्रेंड्स। अभी मुझे इसको, मतलब पूरी तो नहीं बिखरी पर कपड़े यहाँ वहाँ मैस है, तो मैं अभी इनको ठीक करूँगी। और ढेर सारे कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे अभी घड़ी करने हैं, घड़ी हो चुके जमाने अलमारियों में। तो मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। और मेरे चेहरे पे आ रहा है पसीना क्योंकि मैं अभी फ़ैन बंद करके बात कर रही हूँ इस वजह से। और डुगू को तो मैंने आपको दिखाया कि उस रूम में वो बैठ कर नमकीन खा रहा है। और मेरे रूम की हालत भी ख़राब है, तो इसको भी मुझे अभी साफ़ सुथरा करना, क्योंकि अभी हम सो ली हूँ 10-15 मिनट के लिए। मैं सो गई थी कूलर चालू करके। और आ गया डुगू हमारा, आ गया डुगू हमारा। लो हाई करो, हाई करो फ्रेंडशिप। हाँ चलो, तो वो बता रहा, लेके चल रहा कुछ दिखाने के लिए फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो पे।
अच्छा अच्छा क्या दिखा, अच्छा क्या दिखा, अच्छा उस रूम में चलो, कह रहे हो उस रूम में चलो, आओ आओ। लाइट फैन बंद कर दे, लाइट फैन बंद कर दे बेटा, चल क्या दिखाना है इसको, कुछ दिखाना है, क्या दिखाना है। अच्छा यहाँ बैठे, वो बोल रहे हैं नीचे बैठो, फैन नहीं चालू करें, अच्छा फैन चालू कर ले, आओ इसको कुछ बोलना फ्रेंड्स, और ये देखिए तुम, हाँ हाय, हाँ क्या सिखाओगे, और ये देखिए फ्रेंड्स जो दिख रहे हैं ढेर सारे कपड़े घड़ी किए हुए, मुझे अभी जमाना है, अलमारियों में सेट करना है, तो मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं रात के 8, फिर मुझे बनाना है खाना, और मैं तो 4 दिन से कोई भी वीडियो जो शूट करती हूँ उसमें कुछ रेसिपी वगैरह, लंच थाली डिनर थाली वगैरह कुछ नहीं दिखाती, उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगी कल से कि कुछ अच्छा अच्छा आप सभी को दिखाऊं, और इस समय अच्छा भी नहीं लग रहा फ्रेंड्स, इस वजह से मैं वीडियो भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती क्योंकि मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अभी बेटा जस्ट मेरा सोया है, तो दिखाती हूँ, ये है जस्ट अभी सोया है, तो अभी बनाना है मुझे खाना, खाना बनाने के बाद मुझे करना है, हम लोग कहीं कल जाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा, यदि जाएंगे तो, अभी फाइनल नहीं हमारा, जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, और तो उसी की तैयारी करना है क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो आपको अगर साथ में लेके चलो तो उनके लिए थोड़ी बहुत जो ज़रूरत का सामान है वो तो लेके चलना ही पड़ता है। तो वही फ्रेंड्स, और इस समय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कहीं जाने का, कहीं आने का, मतलब घूमने का मन करता है पर घर में रहने का मन नहीं करता। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो बताइएगा ज़रूर। और फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा वीडियो है क्योंकि मैंने आज ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं किया है, इस वजह से अभी मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाऊंगी, खाने में वही नॉर्मल सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड्स मैं कहीं जाने वाली भी थी, मतलब हम लोग सिडनी जाने वाले थे पर रिजर्वेशन जाने का हो रहा था, आने का नहीं हो रहा था, इस वजह से हम वहाँ भी नहीं जा रहे, इस वजह से हमारा मूड ऑफ है। तो देखते हैं अभी 1-2 महीने के बाद कहीं जाएंगे, प्लान करेंगे कहीं बाहर जाने के लिए, क्योंकि आप कहीं बाहर जाओ तो वीडियो कुछ अच्छा शूट करके दिखाओ, घर ही में रहो तो, ये तो मेरी नॉर्मल लाइफ है जो मैं रोज़ आप करती हूँ, आप ही लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।